फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है बार बार। मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूंगी? मैं काम करती हूँ आदि भैया से ही पूछती हूँ। हेलो, क्या हुआ विद्युत की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? इतना टाइम हो गया भैया, और यहाँ पापा का भी मोबाइल ऑफ आ रहा है, क्या करूँ अब मैं? ओह नो, पापा का फोन स्विच ऑफ है। रूही, ये हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। हाँ भैया, रूही इससे पहले कि पापा इशिमा से मिले, तुम्हें पापा से पहले मिलना होगा। फिर गलती से भी पापा इशिमा से मिल लिया और उन्होंने डाइवोर्स पेपर दे दिया ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है। ओह गॉड, भैया फिर मैं पापा को कैसे ढूंढूंगी? रुई 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 रुई, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें अगर फोन बंद भी हो जाए ना, तो लास्ट कॉल जो भी मिला होता है उसका लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। तुम एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ। पापा का इंटरनेशनल सिम और फोन IMEI नंबर है मेरे पास। रुई, पापा की लोकेशन ट्रैक हो गई है। वो थोड़ी देर पहले कंगारू आयरिंग में रिमार्केबल रॉक्स पे थे। तुम जल्दी से वहां पर चली जाओ। ठीक है मैं वहीं जाती हूँ। ओके भैया, बाय बाय। एक साल 15 दिन 7 घंटे और 32 मिनट हुए। जानती हो मुझे कैसे पता? क्योंकि हर मिनट गुजारना मुश्किल हो गया था। तुमसे दूर, बच्चों से दूर, मम्मी पापा रोमी सबसे दूर, सबसे झूठ बोलकर झगड़ा करके इसी दिन का इंतजार था कि तुमसे कब मिलूंगा, कब तुम्हें गले लगाऊंगा। मिजरेबल लाइफ है। सॉरी फॉर दैट रमन, पर हम लोग क्या करते, हम लोग भी तो मजबूर थे ना, हमें सब पीहू के लिए करना पड़ा। जितनी नफरत वो मुझसे करती थी, अगर हम उसे यकीन नहीं दिलाते कि आप मुझसे दूर हो गए हो हमेशा के लिए, वो आपके करीब आती ही नहीं। और आप जानते हो, ज़रा भी मेरे आपके आसपास होने की भनक भी लगती ना शगुन को, तो फिर वो वापस अपने पैतरों पर उतर आती, हमें अलग करने में लग जाती, पीहू को आपसे दूर करने में लग जाती, और हम वो नहीं चाहते थे। याद है हमने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है। एक बात बताओ, तुम वापस आई क्यों? तुम नहीं थी ना मेरी जिंदगी में, पीहू मेरे पास थी, और तुम्हारे मनोस्कल पढ़ते मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई है। तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई मुझे। पापा भी बहुत गुस्से में हैं अभी। तुमने जो कहा वैसे हमने किया, हर चीज के लिए मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, तुम फिर बैक क्यों बैक किया तुमने? हमने बात की ना रमन, आप पीहू के साथ बैंकॉक जाओगे। देखो रमन, एक यही रास्ता है, आपने अग्री भी किया था ना कि पीहू को हमारी जरूरत है, हम शगुन जैसी औरत के हाथ में उसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसने क्या कुछ किया है? वो पिल्स वाला ड्रामा, ब्रेक फेल, यहां तक कि आदि के साथ उसने क्या किया था? रमन, अच्छा है वो थोड़ा मुझसे दूर रहे, अगर तो शगुन के भी नाटक बंद हो जाएंगे, वो पीहू को हार्म करना बंद कर देगी। और उसके लिए रमन, आपको ये सबको कन्विंस करना जरूरी है कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे खफा हो के पीहू के पास रहने के लिए आप जा रहे हैं। तब तो जाके शगुन हमारा पीछा छोड़ेगी, पीहू का पीछा छोड़ेगी। और रमन, मैं तो उसके पास रह नहीं सकती, वो तो मुझसे नफरत करती है, पर आप तो कम से कम उसके पास रह पाओगे ना, हमारी बेटी के लिए जरूरी है। और रमन, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग कभी भी ओपनली एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। और कोई रास्ता नहीं? आपके पास है।
बच्चे लोग तेरे साथ खड़े हैं वो तेरे साथ ही भले हैं। बिल्ली मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूं उसके पास।